दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर से संबंधित एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत ही काम की हो सकती है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एमएस वर्ड की एक फाइल दिखाई दे रही। इस फाइल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसके साथ एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या करना है। जैसे मेरे सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही, एमएस वर्ड की एक स्क्रीन दिखाई दे रही। अब मुझे क्या करना है, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उस पर एक बटन दिखाई दे रहा है, प्रिंट स्क्रीन बटन, प्रिंट स्क्रीन, उसको प्रेस करना है। केवल प्रेस कर लिया, स्क्रीन अपने सामने थी, हमने प्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है, कर्सर को कहीं पे भी रख लेना। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर लास्ट में रख रहा हूँ और यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है, कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी करोगे यानी कि पेस्ट करोगे, आपके सामने वो स्क्रीन आ चुकी है। इसी तरह से यदि आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए और ये आपके सामने डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। इस पर आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करना है ओनली, ठीक है। जैसे आपने प्रेस किया है, आपके सामने जो ये स्क्रीन है इसकी कॉपी हो चुकी है। अब आपको एमएस वर्ड के अंदर जहां आप चाहें वहां पे कर्सर रख के और पेस्ट कमांड यूज करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ वी, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन काम करते समय किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरे सामने ऑनलाइन कार्य करते समय एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको मैं कहीं मेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड पे केवल प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर लेना है और उसके बाद जहां पे भी मेल करना चाहें वहां पर इसको कर्सर रख के पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ वी। पेस्ट करने के बाद आप जहां पर भी मेल करना चाह रहे हैं उसका मेल एड्रेस यहां पर लिख लीजिए और लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जैसे मैंने सेंड किया है और ये मेल इस तरह से हमें दिखाई देगा और जैसे कोई अगला मेल इसको ओपन करेगा तो उसके सामने ये स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जल्दी से लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।